दोस्तों नमस्कार। तो आज हमारा ये अगला वीडियो है क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स, इसी को हम ड्रूडे मॉडल भी कहते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों ड्रूडे मॉडल जो है ये क्लासिकल अप्रोच होता है, मेटल की प्रॉपर्टी को स्टडी करता है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो एक सॉलिड मटेरियल होता है, ये सॉलिड का एक रेंज होता है और मेटल जो है एक कंडक्टिंग मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। मेटल का इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, डिफेंस में, डोमेस्टिक यूजेज में इसका बहुत अधिक यूज होता है। मेटल की कुछ प्रॉपर्टी है जैसे स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मॉलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कोरिजन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये मेटल की डिफरेंट प्रॉपर्टी है जिसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सा उसमें फिनोमिना है मेटल में जिसके कारण ये सभी प्रॉपर्टी देती हैं। और ये डिफरेंट प्रॉपर्टी के कारण मेटल का एक अट्रैक्टिव चॉइस होता है एप्लीकेशन में या किसी भी सिस्टम की स्टडी करने में या किसी भी डिवाइस को बनाने में मेटल की चॉइस सबसे पहले होती है इन सभी प्रॉपर्टी के कारण। तो इसको सबसे पहले ड्रूडे ने 1900 ईयर में एक क्लासिकल अप्रोच के बेस पे एक मॉडल दिया जिसे हम ड्रूडे मॉडल कहते हैं। ड्रूडे मॉडल ये एक्चुअल में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसी के एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग ड्रूडे ने एक कुछ फिनोमिना दिया। दोस्तों इसमें मेटल की जो कंडक्टिविटी होती है वो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज के बेस पे होती है। इसके निम्न फॉलोइंग एजम्पशन ड्रूडे ने एक्सप्लेन किया। एक्चुअल में ड्रूडे ने 1900 में मेटल का एक मॉडल रिप्रेजेंट किया जिसमें यह बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो गैस की तरह बिहेव करता है और इसमें एक पॉजिटिव आयंस होता है जो कि मेटल का कोर बनाता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन फोर्स के कारण मेटल के अंदर मूव करने के लिए कन्फाइंड होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आर कन्फाइंड टू मूव विद इन द मेटल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जो कि पॉजिटिव आयन कोर और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसके कारण मेटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, यह उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है। इसके बाद 1909 में लॉरेंज ने इसमें कुछ करेक्शन किया और उन्होंने बताया कि मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। जब कोई मटेरियल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होता है उस केस पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। इसके लिए इस थ्योरी को ड्रूडे एंड लॉरेंज थ्योरीज भी कहते हैं। इसको शॉर्टकट में ड्रूडे मॉडल भी कहा जाता है। इसके कुछ अप्रोचेज हैं। इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसमें जो कंडक्शन होता है मेटल में जो कंडक्शन होता है वो मेनली फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। दोस्तों थोड़ा जुकाम के कारण गला बैठा हुआ है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी तो इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कि मेटल में जो कंडक्शन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते हैं और एक दूसरे से जब इनका कोलिजन होता है तो इसमें इलास्टिक कोलिजन होता है। कोलिजन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उनके कोलिजन होगा और कोलिजन के बीच में ये एक स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, मतलब कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि इसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एप्लीकेबल ना हो, उसका यूज ना किया जाए। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यूज करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वह अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के अंडर में इलेक्ट्रॉन एक
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन पर एक फोर्स अनुभव फील करता है। अर्थात जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिसके कारण उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं हो पाता है। और इस तरह से जो मूविंग इलेक्ट्रॉन है उनमें एक दूसरे के साथ कोलिजन होता है। इसमें जो इमोबाइल आयन होते हैं उनके साथ या जो पॉजिटिव आयन कोर्स होता है उनके साथ इनका कोलिजन होता है। लेकिन दोस्तों ये कोलिजन जो है इलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब कि इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों का रूल फॉलो होता है। इस तरह से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा और ये मोशन के क्लासिकल लॉ कोई इसमें फॉलो किया जा सकता है। मतलब मोशन का जो क्लासिकल लॉ है वो इसमें यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन है उसके इफेक्ट को इग्नोर्ड किया गया है। जो ड्यूडे ने अपना मॉडल लिया उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के इफेक्ट को इग्नोर कर दिया गया। इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसके भी इफेक्ट को ड्यूडे ने इग्नोर कर दिया। मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के द्वारा जो इफेक्ट होना चाहिए मोशन में या इलेक्ट्रॉन आयन के इंटरेक्शन के कारण जो मोशन होना चाहिए जो इफेक्ट होना चाहिए उसको उन्होंने इग्नोर किया, वो उन्होंने कंसीडर नहीं किया। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये रूट मैन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू के आरएमएस वैल्यू से मूव करते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का आरएमएस वैल्यू होगा उस स्पीड से सभी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और जो मेन फ्री टाइम है जिसको हम कोलिजन टाइम कहते हैं वह इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि इलेक्ट्रॉन्स अचीव थर्मल इक्विलिब्रियम बाय कोलिजन। कोलिजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन में थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, मतलब टेम्परेचर लगभग सेम हो जाता है। जब लैटिस के साथ इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है तो इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, मतलब टेम्परेचर सेम होगा। दे इमर्ज आफ्टर कोलिजन एट अ रैंडम डायरेक्शन विद स्पीड अप्रोप्रिएट टू द टेम्परेचर ऑफ द रीजन वेयर कोलिजन हैपेंड। मतलब जहां कोलिजन होता है वहां पर उस रीजन पे जो एक टेम्परेचर होगा उसका अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होगा और स्पीड के डायरेक्शन पे वो रैंडम मोशन करेगा। तो इस तरह से दोस्तों इन्होंने ड्यूडे ने कुछ कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने ये भी दिया कि यदि द हायर द स्पीड ऑफ द इमर्जिंग इलेक्ट्रॉन द हॉटर द रीजन, अगर वो रीजन हॉटर है मतलब अगर वो रीजन ज्यादा गर्म है तो वहां पर इमर्जिंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी ज्यादा होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसे ही हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इफेक्ट पड़ता है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी वहां पर ज्यादा होगी। फिर इसके बाद दोस्तों इसका यूज कहां पर होता है, ये काम क्या करता है ड्यूडे मॉडल। तो ड्यूडे मॉडल के थ्रू हम मेटल और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस है ये हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा कि ये किसी भी मेटल के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। मतलब मेटल में इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है, ये ड्यूडे मॉडल से एक्सप्लेन हो जाता है। ड्यूडे मॉडल से मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी भी एक्सप्लेन हो जाता है। इसके बाद है कि ड्यूडे मॉडल के द्वारा मेटल में जो डीसी और एसी कंडक्टिविटी है, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के थ्रू जो कंडक्टिविटी है वो भी एक्सप्लेन हो जाता है। दोस्तों कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि नोट करने योग्य है कि ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है, उसका एक एप्लीकेशन है। यह क्लासिकली अगर देखा जाए तो सॉलिड में इलेक्ट्रॉन का माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है। मतलब सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है उसके माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर क्या है उसको ड्यूडे मॉडल एक्सप्लेन करता है। इसके बाद हम देखेंगे इसके ड्रॉबैक, मतलब ये किस कौन सी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दोस्तों यह जो है
हीट कैपेसिटी। ये मेटल में जो हीट कैपेसिटी होता है, जो एक्सपेक्टेड हीट कैपेसिटी है और जो एक्चुअल में हीट कैपेसिटी है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको डूडे मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि इंसुलेटर के कंपेयर में मेटल के हीट कैपेसिटी में जो चेंज होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, ये जो है इट फेल्स टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। हम जानते हैं कि मेटल्स और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर में होल्स पाए जाते हैं, नॉर्मली कंडक्टर में होल्स नहीं होते, लेकिन फिर भी उसमें पॉजिटिव आयंस होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर क्यों पाया जाता है, इसके एग्जिस्टेंस को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मतलब उसके एग्जिस्टेंस क्यों है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरा, ये नॉन मेटल के कंडक्टिविटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सका डूडे मॉडल। डूडे मॉडल के थ्रू ये नहीं बता सकते हैं कि नॉन मेटल में कंडक्टिविटी क्यों नहीं होती है। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि सेम मटेरियल में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसके कारण जो कंडक्शन होता है उस कंडक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो दोस्तों, जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के एग्जिस्टेंस को ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता डूडे मॉडल, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कारण जो कंडक्शन होगा करंट का वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कैसे कर पाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि डूडे मॉडल जो फेल्यूर हुआ उसके कुछ रीजंस हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, डूडे मॉडल में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज किया जाता है और इस लॉ के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है उसमें जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्राइब होता है, मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन डूडे मॉडल में यूज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए। मतलब अगर कोई मेटल है जिसको हम एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम कह सकते हैं, मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम कह सकते हैं, उस मेटल के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को यदि हमें डिस्क्राइब करना है तो डूडे मॉडल ने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज किया है और इसके कारण चूंकि ये क्लासिकली होता है ये एक मैक्रोस्कोपिक लेवल में डिस्क्राइब किया जाता है, इसके कारण ये माइक्रोस्कोपिक लेवल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता और यही एक कारण है कि डूडे मॉडल लगभग फेल्यूर हो गया। दूसरा है इट ओनली कंसीडर द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉडल। डूडे ने अपने मॉडल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन को कंसीडर किया है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कंडक्शन को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कंडक्शन के कारण जो करंट फ्लो होता है उसका क्या सिस्टम है या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कंडक्शन में क्या रोल है, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज आयंस का जो एक मैट्रिक्स है या जो पॉजिटिवली चार्ज आयन का एक जो सिस्टम है उसके इफेक्ट को उन्होंने इग्नोर कर दिया, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आयंस के द्वारा जो कंडक्शन होता है उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया, उसको स्टडी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो कंडक्शन होता है उसको एक्सप्लेन किया। तो यही दो रीजन है जिसके कारण डूडे मॉडल्स फेल्यूर हो गया। तो दोस्तों, ये हो गया आपका डूडे मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको थैंक यू। हमारा वीडियोस, हमारे जो चैनल है आपके कारण बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं, थैंक यू।